कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ पूरे देश में जिला तहसील स्तर पर कांग्रेसियों के द्वारा भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा देते हुए यात्राएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को रीवा शहर और ग्रामीण कमेटी के द्वारा यात्रा का शुभारम्भ किया गया। इस यात्रा में राजीव चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। रीवा जिले में की गई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरदार प्रहलाद सिंह ने कहा कि देश में जाति धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति की जा रही है, जो आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। उन्हें मुश्किलों से बचने के लिए युवा नेता के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। उसी कड़ी में शहर ग्रामीण कांग्रेस ने भी शुरू की है। आइए आपको दिखाते हैं पद यात्रा की कुछ झलकियां और सुनाते हैं कांग्रेसी नेता सरदार प्रहलाद सिंह को उन्होंने क्या कहा। हेलो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आज हमारे देश में ये जो बंटवारे की स्थिति है, धार्मिक बंटवारे की स्थिति बन रही, षड्यंत्र चल रहा है, वोटों की राजनीति खेली जा रही है, यह देश के लिए बहुत ही घातक और हानिकारक है और आगे बड़ी तकलीफें आएंगी। उन तकलीफों को बचाने के लिए, उन परेशानियों को बचाने के लिए हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो का एक माहौल बना रहे हैं, जो आंदोलन चलाए हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसमें हम लोग की भी सहभागिता बननी चाहिए। इसीलिए रीवा शहर कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस वालों ने मिलकर एक पहले पदयात्रा 27 तारीख को भारत जोड़ो की महाप्रतिज्ञ मंदिर से चालू किया था। आज पुनः 29 तारीख को राजीव गांधी चौक से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो एक हमारा मिशन है कांग्रेस पार्टी का, उसी तारतम्य में आज ये हम राजीव गांधी चौक से पदयात्रा भारत जोड़ो की निकाल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।